Morning, kids. So today we'll talk about, we can say, demand schedule and then exceptions to the demand. As I told you in previous lecture, guys, then demand means, we can say the law of demand is whenever there is an increase in prices, simultaneously the demand for the same will goes down, down, down. And when there is a decrease in prices, then demand will increase. जब prices बढ़ेगी, demand घटेगी. Prices घटेगी, तब demand बढ़ेगी. ये एक इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का. नाउ वी कैन से लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड गाइस अ डिमांड स्केड्यूल. ओके, आइए देखते हैं इसी चीज को हम लोग एक टेबुलर वे में या टेबुलर फॉर्मेट. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ब्लॉक. ओवर हियर प्राइसेस of goods, yeah, we can say commodity. यहाँ पे आ जाती है मेरी prices और okay guys, so over here prices of goods or we can say commodity and here quantity demanded. quantity demanded, commodity. चलिए नाउ गाइस, यहाँ पे हमारी आ जाएगी प्राइस और यहाँ पे आ जाएगी उसी की वी कैन से क्वांटिटी. आइए देखते हैं अब इस चीज़ को. चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइसेस है सबसे पहले 50, फिर है 40, देन 30, 20 एंड 10. नाउ इफ यू सी गाइस या इफ यू ऑब्जर्व, तो प्राइसेस ऑफ वी कैन से कमोडिटी और गुड्स इज डिक्रीजिंग. फर्स्ट वन इज 50, देन 40, 30, 20 एंड 10, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. नाउ लेट्स सी, वी कैन से हाउ मच क्वांटिटी इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, या वी कैन से व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी इन मार्केट बाय द कंज्यूमर. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट. व्हेन प्राइसेस वाज 50, व्हिच इज वी कैन से बहुत ज्यादा हाईएस्ट है या ग्रेटर है, तब डिमांड होती है सिर्फ 1% या सिर्फ एक डिमांड होती है. व्हेन द प्राइसेस इज डिक्रीज्ड बाय 10, दैट इज 40, एट दैट टाइम देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज्ड इन डिमांड व्हिच इज 2. व्हेन द प्राइसेस अगेन गोज डाउन अप टू 30, देन द वी कैन से क्वांटिटी डिमांडेड या वी कैन से डिमांड इज इंक्रीज्ड बाय 3. व्हेन Prices of goods is again decreasing, then there is an increase in demand by 4. And now when the prices of goods is 10, which is lowest या सबसे कम, तब हमारी demand बढ़ जाती है बच्चों highest one. Now this is a schedule of demand, या इसे हम लोग law of demand कह सकते हैं. कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि as prices increased, demand decreased, and when prices decreased, demand increased. As I told you that there is an inverse relation between prices and demands of goods. As there is an increase or rise in prices of commodity, so their demand is goes down, down, down. Yeah, we can say there is a fall in demand of such products or goods or services. Now, when the prices of particular goods are decreasing, simultaneously the demand for the same will increase. Prices badha do, demand ghat jayegi. Prices ghata do, to demand badh jayegi. Aaiye dekhte. Isi cheez ko ab hum log ek tabular way mein dekhte hain bachcho. Agar aap log yahan pe observe karo, to jab prices 50 thi, tab ek hi cheez, matlab market mein mera demand ek hi tha. Jab prices thodi kam ho gayi, demand badh gayi. Prices 30 ho gayi, demand 30 ho gayi. प्राइजेस 20 हो गई, डिमांड और बढ़ गई. प्राइजेस सबसे कम हो गई, डिमांड सबसे ज़्यादा हो गई. नाउ ये होती है मेरी प्राइजेस बच्चों. जैसे जैसे आप लोग देख रहे हो कि एज देर इज अ डिक्रीज, या वी कैन से एज द प्राइजेस आर फॉलिंग, सेम वे डिमांड ऑफ द सेम इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रही है, वैसे वैसे डिमांड मेरी बढ़ रही है. आइए इसी चीज़ को अब हम लोग वी कैन से ग्राफिकल वे में चेकआउट करते हैं. चलिए देखते हैं कि इसको ग्राफिकल वे में कैसे प्रेजेंट करना होगा. ओके बच्चों, यहां पर मैं लिख लेती हूँ प्राइस. ओके,
यहाँ पर आ जाती है मेरी प्राइस एंड ओवर हियर क्वांटिटी डिमांडेड एंड केजीज। ओके गाइस, चलिए इसी स्केड्यूल को हम लोग ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। नाउ ओवर हियर प्राइसेस मींस 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, and 50, 50, 50, 40, 30, 20, and 10. And now here quantity demanded, yeah, we can say commodity 1, 2, 3, 4, and 5. Over here 1, 2, 3, 4, and 5. Now when prices of goods was 50, then only one commodity is demanded. जब prices 50 थी बच्चों, सिर्फ एक ही चीज market में बिक रही थी। When prices of goods was 40, then demand is increased by 2. When prices again, we can say decreased by 30, then the demand is 3. When the prices again decreased by 20, there is an increased in demand. Just a minute. Okay, and we can say the last one is when the prices of goods is 10. जो कि सबसे कम था, द क्वांटिटी डिमांडेड इज मैक्सिमम। सो दिस इज वी कैन से द वी कैन से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। जैसे जैसे आप लोग देखो प्राइजेस बढ़ जैसे जैसे प्राइजेस घट रही है बच्चों, आपकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जब प्राइजेस 50 थी डिमांड एक ही थी, जैसे 40 हुई डिमांड बढ़ गई, जैसे 30 हुई और बढ़ गई, जैसे 20 हुई और बढ़ गई, और सबसे कम प्राइस थी यहाँ पे 10, सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे 5। जितने पैसे कम करोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी। अब इन चीज़ों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पर भी मैं डी लिखती हूँ, यहाँ पे भी डी। दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। ओके, नाउ दिस इज नोन एज डिमांड कर्व मीन्स एज देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स साइबर वी कैन से आई एम सॉरी As there is a decrease in prices of goods, your prices of goods are decreasing. The on the same way, the quantity we can say demanded is increasing. Their demands for the same quantity is increased. चलिए जैसे जैसे चीज़ों की prices घट रही है वैसे वैसे उसकी demand बढ़ती जा रही है, और ये उसका एक tabular presentation. Now guys, let's have a look toward we can say exceptions of it. इससे पहले lecture में हमने इसके assumptions देखे हैं. We've already learned about the assumptions of even the demand analysis. Now this is ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये था उसका हमारा we can say demand का schedule. अब हम उसके कुछ exceptions देख लेते हैं कि इसके exceptions क्या होने चाहिए। Okay, following are the exceptions. The first one is Giffen paradox. So let's see guys कि वॉट इज इन वी कैन से गिफन पैराडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइजेस फॉल्स एट टाइम, और वी कैन से डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइजेस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि गिफन पैराडॉक्स क्या होते हैं। ये होती है बच्चों एक टाइप की इंफीरियर गुड्स, जिन्हें हम लोग लो क्वालिटी भी बोल सकते हैं। ओके, गिफन पैराडॉक्स में आ जाती है मेरी इंफीरियर गुड्स या लो क्वालिटी वाली गुड्स। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों कि एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन प्राइसेस इंक्रीज्ड डिमांड डिक्रीज्ड एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीज्ड डिमांड इंक्रीज। एज आई टोल्ड यू द लॉ ऑफ डिमांड कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस सो साइमल्टेनियसली द डिमांड फॉर द सेम विल गोज डाउन और फॉल, और व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग देन वी कैन से डिमांड for the same is rising or increasing. But if we take the example of inferior good or low quality goods, so let it be whether the prices are increased or decreased, it does not affect on demand. Means demand is as it is. चीज़ों के prices बढ़े या घटे उससे हमारी inferior goods को या low quality की goods को कोई मतलब नहीं होता है। वो चीज़ें as it is होती है, उस कोई changes नहीं आएंगी। आइए देखते हैं बच्चों, इसका अगला ये होना चाहिए ओके आइए देखते हैं अब हमारी इंफीरियर गुड्स क्या होनी चाहिए।
For example, take over here an example of salt. Take an example of salt over here, guys. कि as I told you, Giffen paradox या inferior goods या low quality की goods में, अगर मैं salt की example ले लूँ तो, now if prices are decreased, तो as per my law of demand, there must be a increased in demand. जैसे मैंने आपको law का we can say rule बताया था कि prices जब घट जाए तब demand बढ़ा दो. तो अब तो prices salt की घट चुकी है, तो जहाँ सब्जी में हम लोग 1 spoon salt add कर रहे थे, अब prices घट गई है, तो हम एक सब्जी में 3 spoon salt डाल के उस सब्जी को prepare करेंगे? बिल्कुल नहीं. मतलब prices बढ़े या घटे, उस चीज से इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी डिमांड एज इट इज रहेगी, नो चेंज. इन्हें हम लोग बोल देंगे बच्चों Giffen paradox. आइए अगला वाला देखते हैं. वन मोर थिंग, दीज आर एक्सेप्शंस. ओके बेटा, दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. द नेक्स्ट वन इज प्रेस्टीज गुड्स. आइए देखते हैं अब कि हमारी प्रेस्टीज गुड्स क्या होनी चाहिए बच्चों. प्रेस्टीज गुड्स जो होती है लाइक एक्सपेंसिव गुड्स. ओके गाइस, प्रेस्टीज गुड्स मींस एक्सपेंसिव गुड्स सच एज वी कैन से गोल्ड या वी कैन से डायमंड. प्रेस्टीज गुड्स हो जाती है बच्चों जो एक्सपेंसिव होगी, जिसके अंदर आ जाते हैं मेरे गोल्ड और सिल्वर. नाउ दे वी कैन से गोल्ड एंड सिल्वर या डायमंड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल. इनको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाती है बच्चों, एक स्टेटस का सिंबल है ये, कि दोज वो आर रिच सिर्फ वही लोग गोल्ड और डायमंड पहनते हैं या उसे यूज करते हैं मोस्ट ऑफ. तो ये एक स्टेटस है या सिंबल है एक स्टेटस का, कि कौन कितना रिच है. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन द प्राइसेस आर हाई. सो इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेस्टीज गुड्स, सो इन चीजों को खरीदने वाले कौन होते हैं बच्चों, रिच कैटेगरी. दोज वो आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिच पर्सन. सिर्फ अमीर लोग ही गोल्ड और डायमंड को खरीद सकते हैं. गरीब के गले में देखा है क्या डायमंड पहना है, डायमंड की रिंग इयर रिंग्स एंड ऑल. तो प्रेस्टीज गुड्स जो होती है एक्सपेंसिव गुड्स, यूजुअली इसे खरीदने वाला जो वी कैन से ग्रुप होता है वो रिच ग्रुप होता है, और उनके लिए प्राइजेस बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं होता है, एज बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू रिच कैटेगरी. दैट्स वाई लेट इट बी वेयर देयर आई एम सॉरी इफ द प्राइजेस ऑफ द सेम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड. वो गोल्ड और डिमांड की वी कैन से डायमंड पे, गोल्ड और डायमंड की डिमांड पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा. ओके बच्चों, तो ये था मेरा प्रेस्टीज गुड. आइए अगला देखते हैं कि अगला क्या होना चाहिए मेरा. चलिए अगला है बच्चों मेरा स्पेकुलेशंस. आइए देखते हैं अब स्पेकुलेशन में क्या जाना चाहिए. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस rise still further in case all the prices have we can say risen today. Consumer will demand more in anticipation of further rise. For example, prices of oil, sugar and etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at a high price as they anticipate that the prices may rise during Diwali. Okay guys, now what is speculation? Speculation means again a forecast. Yeah, we can say vision toward future. If, as I gave you the example of Diwali, जैसे मैंने अभी आपको दिवाली का एक example दिया था कि as per custom or tradition, दिवाली में हमने फराल, वो चकली, चूड़ा, जो भी चीज़ें वो बनानी होती है, तो ये custom है या tradition है. अब अगर लोगों को ये पता चल गया कि future में oil की बोलो या we can say, I'm sorry, oil की, sugar की या और भी जितनी चीज़ें हमें फराल के लिए यूज़ होने वाली, उनकी प्राइसेस बढ़ने वाली है दिवाली में, तो लोग क्या करेंगे, उसे पहले से ही स्टॉक करके रखना शुरू कर देंगे. तो यहाँ पे भी हमारा वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. अगर ऐसा हुआ तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पहले से पता है, एज पीपल्स आर अवेयर अबाउट इट दैट द वी कैन से प्राइसेस ऑफ शुगर एंड ऑयल विल राइज इन द मंथ ऑफ दिवाली या बिफोर दिवाली, से पहले उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे उस चीज को बहुत पहले से ही उसका स्टॉक करके रख लेंगे. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आइए इसका अगला देखते हैं बच्चों हम लोग कि चौथा वाला क्या होना चाहिए इसका एक्सेप्शन. द फोर्थ वन इज प्राइस
इल्यूजन. आइए देखते हैं अब अगला मेरा कि प्राइस इल्यूजन क्या होना चाहिए. नाउ कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइसेस. फॉर एग्जांपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड एट इवन एट अ हाई प्राइस. ओके गाइस, नाउ प्राइस इल्यूजन मींस व्हाट, दैट दो द थिंग्स आर वी कैन से एक्सपेंसिव. लोगों को पता होता है कि ये चीज एक्सपेंसिव है, स्टिल पीपल्स आर प्रेफरिंग द सेम या पीपल्स आर परचेसिंग द सेम. फॉर एग्जांपल ब्रांडेड गुड्स. ओके गाइस, फॉर एग्जांपल ब्रांडेड शूज. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बाटा ओवर हियर. एक है बाटा के शूज, नॉर्मल शूज बाटा के, वो आते हैं 1000 रुपीज में. शूज ऑफ बाटा कंपनी कॉस्टिंग 1000. एक जूते का पैर आता है 1000 रुपीज का, और वही एक नॉर्मल कंपनी जो हम लोग रोड के ऊपर देखते हैं, तो वो शूज का एक ब्रांड है, सिर्फ ब्रांड नहीं बोलेंगे, नॉर्मल से शूज है, वो है 250 के. बट प्राइस इल्यूजन में क्या हो जाता है कि वी कैन से रेट्स ऑफ पर्टिकुलर गुड्स डज नॉट मैटर. यहाँ पे चीज़ों की प्राइजेस मैटर नहीं करती है, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है कि 250 में मुझे जो चीज़ मिलने वाली है वो ब्रांडेड नहीं है, और जो मैं शूज़ खरीद रहा हूँ 1000 रुपीज़ के वो ब्रांडेड है, इसलिए मुझे उसके लिए ज़्यादा चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे. तो प्राइस इल्यूजन में क्या हो जाता है बच्चों, कि पता होता है कि चीज़ें महंगी हैं या एक्सपेंसिव है, फिर भी लोग उसे ब्रांडेड गुड्स है इसलिए वी कैन से परचेज करना पसंद करते हैं. तो दिस इज़ अबाउट योर प्राइस इल्यूजन. ये सारे थे मेरे वी कैन से एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड के. आइए अगला वाला देख लेते हैं बच्चों, इग्नोरेंस. आइए देखते हैं कि इग्नोरेंस में क्या चीज़ें आ जानी चाहिए. अब इग्नोरेंस में आ जाता है कि समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस. दिस मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस दैट द कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चों कि पीपल लोगों को स्कीम्स ऑफर्स और वी कैन से क्या क्या चीज़ें फ्री है उस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती है कि भाई फ्यूचर में इस पर्टिकुलर चीज पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग बिलियन सेल. एज पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट बिग बिलियन सेल और बिग बिलियन डेज, तो लोग क्या करते हैं उन चीज़ों को जो उन्हें पता ही नहीं होती है, तब वो चीज़ें क्या हो जाती है बच्चों, अपनी आंखों से इग्नोर होती चली जाती है, दूर होती चली जाती है. तो ये भी एक हमारा वी कैन से एक्सेप्शन है. आइए अब अगला एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग, जो कि 6th है, हैबिचुअल गुड्स. ओके, हैबिचुअल गुड्स मतलब कि क्या, किसी चीज़ के ऊपर अगर हम लोग एडिक्टेड है या हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हैबिचुअल गुड्स भी क्या होती है बच्चों, कि हैबिचुअल गुड्स जितनी भी होती है इसकी भी हमारी क्या होती है बच्चों, कि हैबिट होने की वजह से इसकी प्राइसेस बढ़े या घटे हम इसे छोड़ते नहीं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ड्रंकर्ड्स. ओके, अगर हम लोग एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसकी एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो वी कैन से बियर लीजिए या लिक्विड्स लीजिए, इनकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए पर जब तक ये इनटेक ना करे एक पर्टिकुलर बंदा ठीक से नहीं रह पाता है, तो उसे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए होंगी. सो दिस इज हैबिचुअल गुड्स, कि इन सब चीज़ों में ये लॉ ऑफ डिमांड या वी कैन से डिमांड वाला जो भी लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है या एप्लीकेबल नहीं हो सकता है. तो ये सारे जैसे सब मेरे एक्सेप्शन. थैंक यू सो मच.